Hi guys, welcome to my YouTube channel, and today we are going to visit Jagannath Temple of Bangalore. Okay, so stay tuned, and I'll be using my Insta 360 cam. Okay, so let's see how it comes. The weather is really cool. Hey, hi guys, this is your friend Rahul, and welcome to my YouTube channel Rahul Motovlogs or RMV. So दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, and आज बहुत ही मस्त दिन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैंगलोर में कर्नाटका में almost 1 week हो गए सूरज को देखे हुए. सूरज कोई दोस्त का नाम नहीं है, सूरज सन जिसे कहते हैं. ठीक है, तो सूरज की रोशनी से हम बहुत दूर है. इट्स बीन अराउंड 1 week गाइस, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि साइक्लोन चल रहा है साउथ इंडिया में, एंड उसका इफेक्ट है यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा. एंड देख सकते हैं इस वीडियो में काफ़ी बारिश हुई है, एंड बारिश हो रही है फिर बंद हो रही है, बस ऐसे ही चल रहा है दिन भर. ठीक है, तो बोल सकते हो कि लॉन्ग राइड्स ये सब के लिए एकदम सही मौसम है. ठीक है, बस आपके पास कोई पार्टनर हो तो फिर लॉन्ग राइड्स करने का अलग ही मज़ा है. बट जो भी मेरे दोस्त ये सब है, ये सभी होम टाउन या फिर ऐसे गए हैं, और जो भी है वो इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसे मौसम में बाहर जाए, हर एक का अलग अलग इच्छा है, तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. तो दोस्तों, आज मैं निकल पड़ा हूँ अपने डोमिनर के साथ, एंड मेरे पास है Insta 360 1R. तो आपको जो 360 में व्यू देता है, एंड आपने इससे पहले वीडियो भी देखा होगा, अगर देखे नहीं हो तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए Insta 360 का. तो वो सबसे पहला वीडियो था हमारा, एंड जैसे कि मैं बोला हूँ कि मेरे पास इससे पहले GoPro था, तो ये बहुत ही लाजवाब कैमरा है मेरे लिए तो, एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट यूसेज है. एंड ये सेकेंड वीडियो है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 6th December, ओके 2020. एंड आज हम लोग जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल का, वहाँ पे दर्शन नहीं करना है, मीन्स उसके आसपास मुझे कुछ काम है, फिर वहाँ से निपट के सॉरी फॉर द बैड वॉइस, क्योंकि बहुत ही गला ख़राब है थोड़ा सा. यहाँ पे बहुत ठंड है एक्चुअली बारिश की वजह से, एंड हवा भी काफ़ी चल रही है. ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज जाएंगे थ्रू दिस गेट, टोल गेट. ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लाईओवर का जो गेट है, टोल गेट है, यहाँ पे अपना स्मार्ट कार्ड या फिर जो भी पैसे दे के टिकट लेके फिर आगे निकलना है. ओके, तो ये हमारा फ्लाईओवर शुरू होने वाला है, एंड दोस्तों यहाँ से होके हम जाएंगे आज, सो इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से लेके अगारा इज जगन्नाथ टेम्पल उसके आसपास, फिर वहाँ से काम निपटा के फिर वहाँ से निकल के हम लोग आएंगे टुवर्ड्स सिलबोर्ड, फिर नाइस रोड की तरफ जाएंगे. तो अगर आप लोग देखे हैं नाइस रोड तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड इन कर्नाटका आप कह सकते हैं, तो फिर वो मैं आपको शेयर कराऊंगा. फिर छोटी सी राइड करेंगे, फिर वहाँ पे पार होके हम जाएंगे पनागटा, फिर वहाँ से घूम के फिर वापस इलेक्ट्रिसिटी आएंगे. तो देखते हैं कैसा रहता है, एंड वेदर तो एकदम मस्त है, तो इसीलिए मैं निकला हूँ ऐसे वेदर में, अच्छा लगता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बारिश नहीं है, बस धीमे धीमे बारिश हो रही है, तो इसका आप मज़ा ले सकते हैं. सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड एंड दिस दिट्स रियली मोर एंटरटेनिंग, यू नो, आपको और भी मज़ा अच्छा लगेगा अगर कोई आप पार्टनर आपके पास है. तो हमारे पास कोई नहीं है तो हम चलते हैं
हम और हमारा बाइक। सो ये है, देखिए ये जो है आप एकदम कस्टमाइज कर सकते हैं जब आप एडिट करते हैं इसको, जो इंस्टा 360 स्टूडियो है 2020 उसके ही सॉफ्टवेयर में आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको फ्रंट व्यू चाहिए या फिर बैक व्यू चाहिए या फिर साइड व्यू चाहिए किसी भी एंगल से, तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज आप कर सकते हैं जब आप इसको इसके मेमोरी कार्ड को लेके आप स्टूडियो में डालते हैं इसके सॉफ्टवेयर में, या फिर इसका और एक भी ऑप्शन है डायरेक्ट मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं। इनका इंस्टा 360 का खुद का ऐप है, तो वहाँ पे करके फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर है। एंड आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है हमें। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस से हैं, लेकिन काफ़ी वक्त नहीं मिल पाता है सबको जो कि वीडियोस बनाएं, लेकिन मैं आप सभी का बहुत ख्याल रखता हूं और उम्मीद है आप भी हमारा ख्याल रखेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ये आप पे है, अच्छा लगे नहीं लगे सो एनी सजेशंस प्लीज़ गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा कभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि बारिश काफ़ी है। हाँ देख सकते हैं बूंदे काफ़ी गिरी है जो लेंस है कैमरा का उस पर, तो ये फ्रंट में काफ़ी बूंदे गिरी है। इससे पहले जो व्यू आ रहा था वो बैक से आ रहा था तो उसमें कम है, और ये फ्रंट साइड में तो ज़्यादा बूंदे गिरते हैं तो फिर इसलिए। एंड ये फ्लाईओवर में काफ़ी आज रास्ता साफ है तो फिर 1900 आप टच कर सकते हो, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड गाइस आज मैं अपने शूज़ में ओरा जो पहना हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ है एंड बहुत ही बेहतर है, एंड स्टील भी दिया गया है, तो आपको अगर कोई ऑटो वोटो चला जाता है या फिर कोई बाइक आपके पैर पे चढ़ जाता है तो फिर नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस है तो आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी सही चीज़ इस्तेमाल करें, और वो भी अच्छे बजट में आता है 3500 के आसपास। सो गाइस हम लोग ये फ्लाईओवर में चल रहे हैं, ये कुछ 11 किलोमीटर्स का है। ओके तो इसके बाद सिलबोर्ड आएगा जो कि सबसे बिजीएस्ट जंक्शन है बैंगलोर का। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आपको बेहतर पता होगा, अगर नहीं है तो फिर जान लीजिए, कभी भी आते हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। सो गाइस ये फ्लाईओवर जो है अभी ख़त्म होने पे है, आप राइट साइड में देख सकते हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं सिलपुर से टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एंड मौसम तो मुझे मज़ा आ गया यार, मस्त है। तो काफ़ी पानी जमा हो चुका है कैमरा लेंस में, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, डायरेक्ट पहुँच जाते हैं सिलपुर पे, और ये पहुँच के गाइस ठीक है। तो उतना रस नहीं है, वरना ये जो जंक्शन है काफ़ी रस रहता है यहाँ पे, और हमारी नहीं यार, हमारा हैंडसम डोमिनार, देखो पीछे से कोई घूर रहा है हमारे हैंडसम डोमिनार को, चीज ही ऐसी है। सो गाइज आपको कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ व्यू बताइएगा, एंड कुछ भी सजेशंस हो प्लीज़ ऑलवेज आप पहले बताइएगा ताकि हम वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें और अपने काम में और भी फिनिशिंग ला सकें। सो गाइस कीप वॉचिंग आवर वीडियो, एंड यहाँ से हम पहुँचेंगे जगन्नाथ टेम्पल तक, ठीक है। ये एक्चुअली जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कुछ बाउंड्रीज हुए हैं वो सिर्फ बस लाइन के लिए है, एंड यहाँ पे सारे ऑटोज बाइक्स कार्स जाने के लिए हैं, तो ये रिसेंटली किया गया है चेंजेस रोड्स में। एंड एक्चुअली सही है क्योंकि
बस के लिए अलग होगा, तो ये रोड में उतना परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा बिजी नहीं होगा, ताकि जो भी बाकी गाड़ी है आराम से जा सकते हैं। तो ये सही डिसीजन है। अगर और भी लंबे लंबे, नॉट लंबे, चौड़े रास्ते होते तो और भी अच्छा होगा। ये जो चेंजेस किए हैं उसके लिए और भी सही होता एक्चुअली। तो यहाँ पे ये सिग्नल आता है, ये HSR का है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल, फिर हम लोग चल पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज, सो अच्छा है। तो ये जो व्यू है आप ऊपर से है, सो इसको बोलते हैं लिटिल प्लैनेट। तो इसको आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं Insta360 के सॉफ्टवेयर में। और ये सिर्फ होगा आपको Insta360 1R में, जो Insta360 का 4K वर्जन आता है उसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं। सो उसी तरह से ये कैप्चर करता है। तो दोस्तों, हम काफ़ी करीब आ गए हैं यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल के पास, जो कि आगरा में है। एंड आप देख सकते हैं ऊपर फ्लाईओवर जाता है टुवर्ड्स सरजापुरा, एंड और एक वापस आता है, ठीक है, जाने आने के लिए। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जस्ट जगन्नाथ टेम्पल है। एंड ये पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जस्ट फोटो था, एंड उसको यहाँ तक लेके आए हमारे पूरे उड़िया भाई लोग। सो यहाँ पे जितने भी उड़ीसा के लोग रहते हैं, तो ये उन लोगों की वजह से है। तो दोस्तों, हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के तरफ से आ गए, और ये जो है एकदम नाइस रोड जाने के लिए जो टर्निंग है वहाँ पे है, सर्विस रोड से होके, एंड इसको कहते हैं होसा रोड। ओके, तो ये अभी जो टर्निंग है यहाँ पे टच होगा जाके नाइस रोड में। सो नाइस रोड सबसे फाइन रोड है कर्नाटका का, एंड सच मानो ये कहाँ एंड होता है इसका कोई हिसाब नहीं है नाइस रोड का। तो ये बहुत प्लेसेस पे फैला हुआ है, यशवंतपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ यार। हम लोग लास्ट टाइम लंबे राइड पे भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोग नाइस रोड लिए थे, पता नहीं ये ख़त्म ही नहीं होता। एंड एकदम ज़बरदस्त रोड, टोल गेट्स है उसको मेंटेन करने के लिए रोड को, तो हमें उसका साथ देना चाहिए ऑफ कोर्स। एंड मेंटेनेंस भी एकदम सही है, ना कि हमारे उड़ीसा या फिर, मैं किसी स्टेट के नाम पे नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ प्लेसेस पे पैसा खाते हैं बट काम होता है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे पूरा पैसा खा लेते हैं, काम भी नहीं होता है। एनीवेज, सो गाइस, हम लोग यहाँ पे टच होंगे अभी नाइस रोड पे। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी टोल गेट आएगा, फिर टोल गेट पार करके हम लोग नाइस रोड टच करेंगे। एंड यहाँ पे आपको अगर टू व्हीलर है आपका अराउंड 25 लेता है, अगर आप बनागटा पे एंड होते हैं, और उससे आगे होने से उसके हिसाब से टोल गेट का जो भी चार्जेस है आपके बाइक्स या फिर आपके कार्स के लिए, उसका जो चेंज होता है प्राइस। Hi guys, it's raining too much here, so you can see like some of the disturbance here. Okay, it's really drizzling. Lot of rain. And this is called the nice road, okay?
तो दोस्तों यहाँ पे आप जब जाते हैं तो काफ़ी गाड़ियों का सामना करना पड़ता है। अभी तो ये आज संडे है तो फिर कम ही दिख रहे हैं गाड़ी, वरना यहाँ पे बहुत ही रश रहता है। रश इन सेंस सब लोग यहाँ पे तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई गाड़ी तो आपको शाइन 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 हर तरफ से आपको नजर आएंगे गाड़ी। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग हियर। तो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग ये सब का बहुत ही लोग अवॉइड करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं जो भी परमिशंस है, रूल्स है। सो यहाँ पे हमें अपने आप को संभल के चलाना चाहिए गाड़ी, तो बहुत ही रिस्की है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, एंड प्लीज़ आप बताइएगा। एंड यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स बनागटा, एंड वहाँ से फिर वापस मुड़ के फिर आते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो का मज़ा लीजिए, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से घूम के वापस जाना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एंड यहाँ पे आपको टोल का सामना करना पड़ेगा। तो फिर अराउंड 25 रुपीज़ लेते हैं। सो बट वाइल रिटर्निंग बनागटा से आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ आपको सिर्फ 15 रुपीज़ देने पड़ते हैं। सो क्वाइट चीप। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज Insta360 का नाइट व्यू चेकअप भी हो जाएगा। सो नाइट व्यू में भी किस तरह का आता है, अच्छा बुरा, सो लेट्स चेक आउट। शायद आपको Insta360 का नाइट व्यू कोई दिखा नहीं होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अराउंड अभी 5:30 से ऊपर हो गया है, एंड जब तक हम और थोड़े आगे जाएंगे अराउंड 5:40 के आसपास हो गया होगा, 5:40 से ऊपर, शायद 6:40, आई एम सॉरी। तो डेफिनेटली ये विंटर का सीज़न है और काफ़ी क्लाउडी है, तो डेफिनेटली नाइट हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का क्लैरिटी है नाइट में भी, ऑलमोस्ट डार्क व्यू में भी। तो अपना व्यू आप बताइए, एंड अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हिट द क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। सो गाइस हम लोग आ गए हैं एकदम मस्त रोड में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आज 100 से ऊपर भी टच हो गया है, आते वक्त देख सकते हैं वीडियो में, एंड अभी भी 100 से ऊपर हो जाएंगे, एंड अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ रोड है। जहाँ पे भी थोड़ा फ्री है, उतना कंजस्टेड नहीं है, वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा 100 से ऊपर जा सकते हैं आप, बट ये आप पे है। तो अगर कंट्रोल में है तो फिर बेहतर है, वरना बिल्कुल ना चलाए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, इट्स ब्यूटीफुल रोड एंड ब्यूटीफुल वेदर। सो गाइस बी विथ अस एंड चेक आउट द वीडियो, ओके।
तो दोस्तों हम लोग नाइस रोड के एंड तक आ गए हैं एंड ये उसका एंड जो है टोल गेट वो है। यहाँ पे आपको टू व्हीलर का जो अलग लाइन है वहाँ पे आके आपका जो रिसिप्ट है वहाँ पे जो लिए होंगे आप इससे पहले वाले टोल में स्टार्टिंग में वो वाला यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है दिखा के, तो वो यहाँ पे रख लेंगे फिर वो फेंक देंगे फिर आप चलते बनो। एंड यहाँ से आपको फिर दो रूट मिलेंगे, तो एक जो जाएगा लेफ्ट साइड आपको टुवर्ड्स सिलबोर्ड या फिर हुजूर रोड या सभी जो नीचे के हैं फ्लाईओवर के नीचे वहाँ पे जाना है, तो हमको राइट में जाना है। तो यहाँ से होके हम वापस सर्विस रोड पे जाएंगे फिर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है, 6:25 अराउंड मेरे गाड़ी के वॉच में भी देख सकते हैं 6:25 अराउंड एंड काफ़ी अंधेरा हो चुका है। एंड आई थिंक इंस्टा 360 का लाजवाब क्लैरिटी है जो कि नाइट मोड में भी मस्त आ रहा है क्लैरिटी। तो दोस्तों हम लोग अपने सफ़र के एंडिंग तक आ गए हैं एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार एंड सपोर्ट के लिए कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पे आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड आप देख सकते हैं इतने नाइट व्यू में भी जो कैमरे का क्लैरिटी है टू गुड है, नाइट व्यू में भी एक्शन कैमरा है तो ओबियसली अगर इतना क्लैरिटी देता है आपको तो मोर इनफ है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोस और लाने के लिए हमें प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, उसके लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी कमेंट्स कुछ भी करने हैं प्लीज़ कमेंट बिलो आप दे सकते हैं बिंदास एंड आई कैन रिप्लाई टू योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल गाइज। सो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए एंड अच्छा लगे नहीं लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइज, इट्स राहुल मोटो ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ।